ओम शांति। 17 नवंबर 2020 के बाबा के साकार महावाक्य आज के मुरली के 8 मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, सुप्रीम टीचर हम बच्चों को समझाते हैं हम पतित से पावन कैसे बने, ये है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़ें, सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। दूसरा पॉइंट, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बाबा ने समझाया, लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है, दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे, परमपिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ, अगर ना समझें तो छोड़ देना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ऑलमाइटी बाबा कहते मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। चौथा पॉइंट, रूहानी बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है, बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए, और तो सभी संबंध हैं कलयुग के, ये है रूहानी बाप का संबंध, ये तुम्हारे आंसू भी विजयमाला के दाने बनते हैं, बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं, पवित्रता के सागर श्रीमत देते हैं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है, मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाएं, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी, सजा न खानी पड़े ये सबसे जास्ती फुरना रखना है। छठा पॉइंट, त्रिकालदर्शी बाबा कहते पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता, स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई, ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। सातवां पॉइंट, प्राण प्यारे बाबा बोले जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो, यही है सच्ची सेवा। आठवां पॉइंट, सुख के सागर बाबा इशारा देते हैं, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ओम शांति। अब मुरली सुनते हैं विस्तार सहित। मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने, तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए, कौन सी? उत्तर, हम पतित से पावन कैसे बने, ये है मूल फिक्रात। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़ें, सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है, कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है वह बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बाप सभी का एक ही है, पहले पहले यह बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा, अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे, पहले पहले तो ये निश्चय कराना है,
सारी दुनिया को ये पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है, वे कृष्ण के लिए कह देते, हम कहते परमपिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है, वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, भगवान के लिए ही कहते हैं हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वह जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, जास्ती तीक तीक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाएं, फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनको ही बाप कहते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, पहले पहले अल्फ पर ही समझाते हैं। अल्फ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना, जैसे कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं, तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे, बहन भाई हो गए, इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये है भीति। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, कैरेक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं, इस पुरानी पतित दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं, सब में विकार हैं। ये है ही पतित विशियस दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेंगी, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं, ये हैं सब गुप्त बातें। हम आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है, सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है, लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे, परमपिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ, अगर न समझें तो छोड़ देना चाहिए। अल्फ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा, भल चले जाएं। तुम मूंछो नहीं, तुम बेपरवाह बादशाह हो, असुरों के विघ्न पड़ने ही हैं, ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है, इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है, और धर्म वाले कोई डायनेस्टी स्थापन नहीं करते हैं। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है, पतित से पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है,
वे तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे। उसमें बढ़ाई की बात ही नहीं, महिमा है ही एक की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है, बाकी क्राइस्ट ने क्या किया? उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है, क्राइस्ट कोई दया नहीं करते। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते, मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सत्युग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की बात ही नहीं। बच्चे एक बात अल्फ पर किसको निश्चय कराते नहीं, और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते गला ही खराब हो गया, पहले पहले बाप का परिचय देना है, तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना, हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनशंति, पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना, बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ मामिकम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो, फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता न सके। पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ, इनका ही नाम है भागीरथ। तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे, ये है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर सतो प्रधान बनते हैं, उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामिकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है, कैसे मिला वे समझाते हैं। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बाप को समझो फिर और बातों में जाना। ये बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है, मनुष्यों की नब्स भी देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तवाई है। मगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए, जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं, बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। ये भी खेल बना हुआ है, बाप बैठ समझाते हैं कैसे ये खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स अर्थात कमी निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो,
स्थापना तो जरूर होनी ही है, भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। उल्लास में रहना चाहिए, बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद कर दे, प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध हैं कलयुगी, ये है रूहानी बाप का संबंध। ये तुम्हारे आंसू भी विजयमाला के दाने बनते हैं, बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल, अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, न इतने चित्रों की दरकार है। नंबर वन चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाएं, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा न खानी पड़े ये सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो बसंत भी हो, बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं, 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते हैं। इनको कोई समझ ना सके, मनुष्य पद्मपति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पद्मपति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं मूल बात है एक बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, ये भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे, देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है, बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो, मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं, धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे, शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में, वहां जाकर तुम उन्हों की सेवा करो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ पतित पावनी गंगा है या परम पिता परमात्मा है, सर्व की सदगति ये पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो, विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना, तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है, ये बाबा तो समझते हैं।
मैं बाप का एक ही सिकीलथा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कुल्हे पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वे कितना देते हैं, जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर वन ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई? ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो वे आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी हो, सबको अल्फ का परिचय देना है। ज्यादा तीख तीख नहीं करनी है। एक ही फुर ना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य न हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ओम शांति। ओम।